हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में क्या डिफरेंस होता है। अभी आप दोनों में बेसिक अंतर को अपने सामने प्रैक्टिकल के रूप में होता हुआ दिखाई देगा आपको। यह है हमारा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के कई अलग अलग कलर हो सकते हैं, अलग अलग अपीयरेंस हो सकता है, लेकिन दोनों में जो कॉमन होगा वो ये है कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल देखने में आपको हार्ड लग रहा है, ये हार्ड होगा। इसके दो पार्ट होंगे, एक पार्ट उसका कैप होगा और दूसरा पार्ट उसका बॉडी होगा। जो बॉडी की लेंथ है वो लंबी होगी और जो कैप की लेंथ है वो छोटी होगी, और दोनों को हम इस तरह से डिटैच कर सकते हैं। अभी आप दोनों में साइज को देखेंगे तो आप अंतर साफ देख सकते हैं कि आपकी जो बॉडी है वो लेंथ लंबा है जबकि कैप है इसका साइज छोटा है। इसके अंदर हम किसी इंग्रेडिएंट को, पाउडर चाहे ग्रेन्यूल को फिल करेंगे। फिल करने के बाद हम इनको कवर करेंगे इस तरीके से। तो इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। ये है हमारा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। ये हार्ड है, इसको आप कस करेंगे तो इस तरह से दो पार्ट में अलग अलग देख सकते हैं। ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है। इसके अंदर अगर हम बात करें कि कैसा रहता है, तो ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है। इसके अंदर हम अपने इंग्रेडिएंट को फिल करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पाउडर भरा हुआ है। पाउडर फॉर्म में हमारा ड्रग प्रेजेंट है। पाउडर के फॉर्म में हम इसको फिल कर सकते हैं और ये एक जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के अपोजिट इसमें पाउडर या ग्रेन्यूल यानी कि सॉलिड मटेरियल होगा। तो इस तरह से इसके अंदर पाउडरी सब्सटेंस है, इसको आप देख सकते हैं। ये पाउडर है जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के अंदर रखा हुआ था। जबकि दूसरी तरफ ये है हमारा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। इसके पूरे के एक ही पार्ट है, कहीं भी आपको बॉडी या कैप जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। इसका शेप हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का एक जैसा ही होगा, आपके लंबाई में होगा, जबकि जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है इसके साइज शेप अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये थोड़े लंबे में है और ये ओवल शेप में, गोल शेप में, तो ये दोनों का शेप अलग अलग हो सकता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल अलग अलग साइज में आते हैं, उनका कोई फिक्स स्टैंडर्ड है, जबकि आपके सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का कोई साइज का पैरामीटर नहीं है। इस हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के अंदर पाउडर भरा हुआ है, जबकि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के अंदर या तो लिक्विड होगा या तो सेमी सॉलिड सब्सटेंस होगा। जैसे अगर आप इसी को ब्रेक करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है। तो ये हमारा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को अगर हम कट करते हैं तो आप देख पाएंगे कि इसके अंदर इस तरह के लिक्विड रखे हुए हैं। तो ये एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में बेसिक डिफरेंस है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के अंदर लिक्विड मेन रूप से भरा जाता है, जबकि हार्ड जिलेटिन के अंदर पाउडर भरा होता है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल एक ही पार्ट में होता है, जबकि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की बात करेंगे तो इसमें एक कैप और एक बॉडी, दो पार्ट होंगे, ये कैप और ये बॉडी। इनकी लेंथ कैप की छोटी, बॉडी की बड़ी होगी। जिनमें पहले हम किसी ड्रग को फिल करेंगे, फिल करने के बाद इनकी कैपिंग होगी, जबकि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में फिलिंग और कैपिंग दोनों साथ साथ एक ही मशीन में अकॉर्डिंगली होता रहेगा। तो ये था हमारा बेसिक डिफरेंस सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में। और आपको उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में बेसिक डिफरेंस होता क्या है शॉर्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।